सभी को नमस्कार प्रणाम गुड आफ्टरनून सभी को। और आज हम लोग मिलते हैं इस पीएनसी का क्यूएनए सेशन में और आज हम लोग बात करेंगे एक नए प्रोग्राम के बारे में जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या है और इसमें करना क्या है, जस्ट इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि प्रोग्राम को जस्ट एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार जस्ट रीड आउट करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फिनिश प्रोडक्ट्स आर फेड थ्रू टू कन्वेयर्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कन्वेयर सिस्टम, एक इंडस्ट्रीज का एक कन्वेयर है जिसपे कि सर्टेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे बन रहे हैं और वो फाइनली एक कन्वेयर के थ्रू वो एक डेस्टिनेशन पे ले जाकर के उसको जस्ट छोड़ा जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे वो कह रहा है, बोला कि कन्वेयर वन एंड कन्वेयर टू, जिसका कन्वेयर वन का नाम है देखिए C1 और कन्वेयर टू का नाम है C2, ये दो कन्वेयर है जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि डिफरेंट प्लेसेस से प्रोडक्ट आ रहा है और फाइनली वो एक मतलब प्लेस पे डेस्टिनेशन पे वो जा रहा है। अब इसके बीच में क्या है, तो बोलते हैं कि फाइंड द पास थ्रू C3, मतलब कि जो प्रोडक्ट C1 से आ रहा है, जो प्रोडक्ट कन्वेयर वन के थ्रू आ रहा है और कन्वेयर टू के थ्रू आ रहा है, वो प्रोडक्ट फाइनली पास होता है कन्वेयर 3 से, ठीक है। अब क्या बोलता है कि फाइनली दे पास थ्रू C3 टू द पैकेजिंग, क्योंकि C3 के पास मतलब पैकेजिंग स्टेशन है वहां पे जाता है, राइट। इसके बाद बोलता है कि डेवलप द प्रोग्राम सच दैट प्रोडक्ट मूविंग थ्रू C1 एंड C2 आर कंटेन्ड। अब देखिए क्या बोला है कि आपको प्रोग्राम किसके लिए बनाना है कि जो प्रोडक्ट मूव कर रहा है C1 से और प्रोडक्ट मूव कर रहा है C2 से, तो कितना प्रोडक्ट इस C1 से और कितना प्रोडक्ट C2 से जा रहा है, इस दोनों प्रोडक्ट को हमको इंडिविजुअली काउंटिंग करना है, ठीक है। एक तो पहले ये बोला काउंटिंग इंडिविजुअली एंड कंपेयर्ड टू द काउंट ऑफ C3। और हमको करना क्या है कि एक तो यहां पे इस पे जो प्रोडक्ट आ रहा है इस कन्वेयर C1 पे उसका भी काउंटिंग होगा और जो कन्वेयर C2 से जा रहा है उसका भी काउंटिंग होगा, और दोनों प्रोडक्ट जा रहा है इस कन्वेयर C3 के थ्रू तो इस पे इसका भी काउंटिंग होगा, और क्या होगा इस C1 का कंपेयर C3 के साथ में होगा और इस C2 का कंपेयर C3 के साथ में होगा, कि भाई वो प्रोडक्ट वो जो कंपोनेंट है पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो ग्रेटर है, इक्वल है, लेस है, वो क्या है, वो उसके थ्रू वो कंपेयर होगा। तो हमको सीधा क्या करना है, हमको जस्ट कंपेयर करना है, अब वो वैल्यू ग्रेटर हो, इक्वल हो, लेस हो, वो जो हो उसके थ्रू वो दिखाएगा, ठीक है ना। तो हमको जस्ट यहां पे आकर के सबसे पहले इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। तो हम करेंगे क्या, किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि इसका देखिए यहां पे हमको पहले ये 3 कन्वेयर, कहने का मतलब कि ये 3 कन्वेयर के लिए ऑब्वियस सी बात है 3 मोटर रहा होगा, एक मोटर इस कन्वेयर C1 को मतलब ऑपरेट कर रहा होगा, दूसरा कन्वेयर C2 मतलब दूसरा मोटर कन्वेयर C2 को ऑपरेट कर रहा होगा, और तीसरा जो कन्वेयर है वो C3 को चल मतलब कन्वेयर C3 को ऑपरेट करवा रहा होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इस तीनों कन्वेयर को साइमल्टेनियसली चला दे सो दैट कि कोई भी प्रोडक्ट अगर C1 से ही आता है तो वो C3 से पास हो जाए, और अगर वो C2 से आता है तब भी वो C3 से पास हो जाए, और अगर C1 C2 दोनों जो मतलब दोनों पे अगर सेम टाइमिंग में आता है तो वो प्रोडक्ट C3 से चला जाए, और इसको हमको क्या करना है इंडिविजुअली काउंटिंग करना है, बस इस बात पे हमको क्या करना है केयर करना है, फाइन। तो हम सबसे पहले क्या करें, मेरा जो पहला अप्रोच होगा वो ये होगा कि कन्वेयर C1 एंड C2 एंड C3 मस्ट बी ऑन एट ए टाइम सो दैट दिस विल मूव साइमल्टेनियसली एंड वट एवर ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम द होम पोजिशन एंड इट इज सेंड टू द डेस्टिनेशन दैट विल बी सेंड अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले कन्वेयर को ऑन करना है। तो अब हम यहां से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या सॉल्यूशन, प्रोग्राम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहां पे आएंगे इस साइड में और यहां पे एक लाइन ऐसे करके बना लेंगे, ठीक है।
करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहां पे आकर के एक मतलब स्विच लेंगे दो इस तरीके से, और यहां पे हम आकर के डायरेक्टली नाम लिखते हैं। तो यहां पे आकर के हम नाम लिखेंगे स्टॉप, और इसके बाद यहां पे हम नाम लिखेंगे स्टार्ट, और इसी से हम तीनों कन्वेयर को ऑन करेंगे। तो तीनों कन्वेयर को ऑन करेंगे, इसके लिए हम यहां पे आकर के एक ले लेते हैं क्या, एक मेमोरी ले लेते हैं यहां पे ऐसे करके M0.0, और यहां पे आकर के इसको होल्ड पे रख लेते हैं इधर से ऐसे आकर के इसको होल्ड पे रख लेंगे, ठीक है। और यहां पे हम लिख देंगे एक मेमोरी। सबसे पहले हम मेमोरी को ऑन कर लिए, जो मेरा पहला अप्रोच था, मेमोरी को ऑन किया स्टार्ट बटन के हेल्प से, ठीक है ना। और मेमोरी को ऑन किया, इससे हम क्या करेंगे, इस मेमोरी से हम एक इस ऐसे करके M0.0 से हम इस तीनों कन्वेयर को ऑन कर लेंगे, है ना। यहां पे आकर के ऐसे करके C1 इसी से पैरेलल C2 और इसी से पैरेलल C3, इस तीनों कन्वेयर को हम क्या कर लिए, ऑन कर लिए, ठीक है ना। इस तीनों कन्वेयर को हम ऑन कर लिए, जैसे ही वो ऑन हो गया था, हम चाहते तो इसको यहां पे नहीं करते, उधर में भी कर लेते, बट एक क्या होता है, एक सेफेस्ट मतलब मोड ऑफ मेकिंग प्रोग्रामिंग है कि आप कोई भी काम करते हैं और अगर ऐसा होना है तो आप उसको मेमोरी से ले लीजिए, सो दैट जब कभी भी अगर ऑफ करना हो तो आप मेमोरी को ऑफ करिएगा, सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज इंडिविजुअली आप इसको मतलब कन्वेयर को ऑफ करना पड़ेगा। मतलब रास्ता दोनों है, जैसे चाहे है ना, उस तरीके से चाहे, फाइन। हम अब क्या करेंगे, जब तीनों मेरा कन्वेयर ऑन हो गया, तो यहां पे देखिए क्या है, ये कुछ इस तरीके से जो डॉट डॉट इस तरीके से ऐसे एक सर्किल बनाया है, सर्किल बनाया है, सर्किल बनाया है, मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट फाइनली यहां से इधर से पास हो रहा है। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं यहां पे एक ऑब्जेक्ट, एक यहां पे सेंसर लगा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से इस कन्वेयर में। मान लीजिए यहां इसे हम नाम दे देते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे करके यहां पे एक सेंसर है, ऐसे S1, यहां पे भी एक सेंसर है, इधर में दे देते हैं ऐसे करके S2, है ना, और यहां पे भी एक सेंसर है, इसका नाम दे देते हैं S3। ये तीन सेंसर तो रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब बोलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो कौन तो बाद का प्रोसेस है, पहले तो वो सेंस करेगा तब तो कॉन्टेक्ट होगा, कौन तो काउंटर करेगा, लेकिन काउंटर को जो इन्फॉर्मेशन देगा कि नाउ ऑब्जेक्ट इज देयर एट द कन्वेयर, सो वो भी इन्फॉर्म टू द काउंटर, देयर इज अ सेंसर, देयर मस्ट बी सेंसर, फाइन। तो उसके लिए हमको सेंसर को प्लेस करना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट में लिखा नहीं है, क्लियर नहीं किया कि वहां पे सेंसर है, बट ए मेंशन हो या नहीं हो, ये तो हमको उसका मतलब उसका कंपोनेंट तो हमको यूज करना पड़ेगा। तो हम यहां पे क्या करिए, तीन सेंसर लिए जो तीनों कन्वेयर पे माउंटेड है। अब हम करेंगे क्या, इससे करेंगे क्या, तो इससे ये करेंगे कि यहां पे आकर के हम सबसे पहले S1 से किससे, S1 से सेंसर S1, इससे हम यहां पे आकर के एक काउंटर लेंगे, यहां पे आकर के एक काउंटर लेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे काउंट, यहां पे लिखा रहेगा आप, और यहां पे क्या लिखेंगे काउंटर, फिर यहां पे लिखेंगे क्या, काउंटर के बाद यहां पे होगा प्रीशेट, इसके बाद क्या रहेगा एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। काउंटर में यहां पे क्या लिखेंगे C5:0, प्रीशेट वैल्यू में हम क्या दे देंगे भाई, कुछ भी दे दीजिए, एक इनफाइनाइट के लिए यहां पे दे दीजिए 100, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई भी एक जस्ट वैल्यू आपको देना है, वो उससे ज्यादा भी काउंट करेगा, उससे कम भी काउंट करेगा, मतलब जस्ट आपको एक्नॉलेज करना है कि हमें कोई एक वैल्यू हमने काउंटर को दिया, फाइन, ऐसा। इसके बाद यहां पे एक्यूमुलेटर में जीरो होता है, इसके बाद एक काउंटर का आउटपुट से क्या होगा, यहां पे रहता है CU ऐसे, और यहां पे रहेगा ऐसे करके DN, ठीक है ना, यहां पे इस तरीके से ऐसे, ये तो एक काउंटर स्पेशल। इस काउंटर का क्या होगा, जब जब इसका राइजिंग पल्स, मतलब जब जब ये आपका सेंसर के सामने से ऑब्जेक्ट क्रॉस होगा, तो ये सेंसर ऑन होगा, जब ऑन होगा तो ये LC होगा, और एक काउंट को इंक्रीमेंट करेगा, यहां पे काउंटिंग रिफ्लेक्ट होगा 1, फिर से यहां से दूसरा ऑब्जेक्ट पास होगा, ए ऑन होगा, ए LC होगा, एक काउंट करेगा 2, इन दिस मैनर दिस काउंटर विल बी कीप ऑन काउंटिंग। तो उसी तरीके से हमको इस C2 का भी करना पड़ेगा, मतलब यहां पे आकर के एक काउंटर और लेंगे यहां पे, और इसका नाम लिखेंगे इस सेंसर 2 से यहां पे फिर से एक काउंटर लेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे काउंटर
अब यहां पे लिखे हैं कौन, यहां पे है प्रीशेप और यहां पे है एक्यूमुलेटर। इस क्वांटम में क्या लिखेंगे, सी फाइव इज टू वन, क्योंकि जीओ ऑलरेडी हो चुका है, यहां पे भी 100 दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे एक्यूमुलेटर में जीरो कोई यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे सी यू लिखना है इसको क्लोज, और यहां पे क्या लिखना है डी एन और इसको क्लोज। ये क्या है, ये दो अलग अलग क्वाइल, ये हो गया इसके लिए, ये हो गया इस कन्वेयर का पॉइंटिंग के लिए, मतलब कि व्हाट एवर ऑब्जेक्ट विल पास फ्रॉम दिस कन्वेयर सी टू दैट विल बी काउंटेड या दैट विल बी मॉनिटर्ड थ्रू एस टू एंड दैट विल बी अगेन स्टोर्ड इन सी टू, मतलब सॉरी मतलब क्वार्टर वन एंड दैट वैल्यू विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, वो वैल्यू आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कोई बात नहीं है। अब इस कन्वेयर वन का मतलब जो मॉनिटरिंग है वो क्वांटर जीरो कर रहा है और कन्वेयर टू का जो मॉनिटरिंग है वो क्वांटर वन कर रहा है। अब हमको क्या करना है कि एक क्वांटिंग ओवरऑल क्वांटिंग हमको इसका भी करना है, तो उस ओवरऑल क्वांटिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पे आकर के फिर से हम एक लेंगे सेंसर एस थ्री और इस एस थ्री का क्वांटिंग हम करेंगे एक और दूसरे क्वांटर से यहां पे और इसको लिखेंगे काउंटर। अब यहां पे लिखेंगे फिर से कौन, यहां पे लिखेंगे फिर से प्रीशेप और यहां पे लिखेंगे फिर से एक्यू, एक्यू में जीरो, प्रीशेप वैल्यू में हम तो कुछ भी 100 दे दीजिए, तो इसको जस्ट डबल कर देते हैं 200, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 100 तो इसमें था ही, तो इसका जस्ट दुगना, क्यों, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव से आएगा, एक ऑब्जेक्टिव से आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ऑब्जेक्ट दो मतलब कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो इसका जस्ट डबल है, तो इसकी वजह से आप 100 भी दीजिएगा तो काम चलेगा, है ना, बट मतलब लेट अस गिव इट 200 फाइन। और इसको हम क्या करते C5 इज टू 2 कर देते क्योंकि तीन क्वांटम यूज किए हैं जिसका एड्रेस स्टार्ट हुआ 0 1 2 से, ठीक है। अब उसी तरीके से ए भी इंडिविजुअली काउंट होगा और यहां पे रहेगा सी यू, ठीक है, और यहां पे रहेगा डी एन, ठीक है, ए इस तरीके से ऐसे करके काउंट। अब हमको क्या करना है कि जैसे ही स्टार्ट बटन को प्रेस किए तीनों कन्वेयर ऑन हो गया, कन्वेयर ए भी ऑन है, कन्वेयर ए भी ऑन है, कन्वेयर ए भी ऑन है, तीनों ऑन है। अब जिससे भी ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, है ना, वो सबका काउंटिंग अपना इंडिविजुअली काउंटर जो है वो आपका कर रहा है। अब हमको क्या करना है कि इसका कंपैरिजन करना है हमको किससे, इसका कंपैरिजन करना है हमको इससे मतलब C3 से, मतलब C1 का मतलब C3 से, C1 का कंपैरिजन करना है C3 से और C2 का कंपैरिजन करना है C3 से, इस दोनों का कंपैरिजन कन्वेयर 1 का C3 से, कन्वेयर 2 का C3 से, ये करना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे भाई, तो यहां पे आकर के प्रोग्राम है नहीं, इस चीज को हम थोड़ा सा जस्ट यहां पे आकर इसको रब करते हैं, ठीक है ना, तो इसको इसका तो अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, यहां पे आकर के इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और इसको यहां पे रब करने के बाद में जस्ट इसको प्रोग्राम को हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे आके तो देखिए, तो यहां पे क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो यहां पे आकर के फिर से एक लाइन हम इधर से ऐसे करके बना लेंगे इधर में, और हमको करना क्या है, तो यहां पे आकर के हम कंपेयर इंस्ट्रक्शंस का यूज करेंगे, तो कंपेयर तो ऑलरेडी इनपुट इंस्ट्रक्शन होता ही है, यहां पे आकर के सबसे पहले इधर में आकर के एक ले लेते हैं क्या, तो किससे कंपेयर करना है, दो से करना है ना, तो यहां पे हम क्या ले लें, ग्रेटर ले, इक्वल ले, लेस ले, कंपेयर नहीं तो लेना है, तो कंपेयर करना है तो क्या, ठीक है कुछ भी लीजिए, ग्रेटर लीजिए, लेस लीजिए, कंपेयर, तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि इस दोनों में जो ग्रेटर होगा हमारा उससे मतलब ये जो काउंटर है इसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक लेगा बट यहां पे दो दिखाएगा क्योंकि एक इसका एक इसका ऐसे, तो कंपेयर करने के लिए कुछ भी आप ले लीजिए। तो यहां पे आकर के सबसे पहले हम यहां पे इसको लिखते हैं लेस देन, लेस देन, और लेस देन में हम यहां पे देखते हैं क्या, ये हो गया हमारा ग्रेटर,
एक होता है लेस ग्रेटर, है ना, ये हो गया आपका लेस। लेस यहां पे हो जाएगा हमारा क्या, ये होता है दो, इसमें इनपुट होगा, एक इनपुट रहेगा सोर्स एस ओ यू आर सी ई और एक रहेगा एस ओ यू आर सी ई सोर्स बी इस तरीके से, और यहां पे एक आउटपुट रहेगा, ठीक है। दूसरा हम क्या करें, तो दूसरा एक और हमको लेना पड़ेगा, यहां पे आकर के इसको करेंगे इधर में भी, तो इसको भी हम क्या ले लें, तो यहां पे सोर्स में आकर के किसका एड्रेस लेंगे जी, सोर्स में आकर के सबसे पहले हम एड्रेस लेंगे किसका, इससे मतलब किससे करना है, इस C52 से, तो यहां पे आकर के हमको एड्रेस देना पड़ेगा C5:2.ACC accumulator, मतलब कि इस कन्वेयर का जो भी वैल्यू है उसका कंपेयर आप करिए किससे, तो इसका C1 से कंपेयर करें, तो C1 से कंपेयर करिएगा, कहने का मतलब कि यहां पे हम किस क्या लिखेंगे, C5:0.ACC accumulator, इससे आपको कंपेयर करना है। और अगर एस मतलब जो सोर्स बी का वैल्यू अगर लेस है किससे, C52 से, मतलब अगर इसका वैल्यू इससे लेस है, तो ये बल्ब जो होगा, ये बल्ब आपका जस्ट क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक है ना। मतलब यहां पे एक बल्ब है, बल्ब 1, ठीक है, और क्या है ये दूसरा, तो इसको भी कर देते हैं ग्रेट लेस देन ही करते हैं, और यहां पे होगा सोर्स, और यहां पे भी होगा एक सोर्स, सोर्स बी, इसमें कौन सा होगा, तो इसमें भी सेम यही होगा, तो यहां पे लिखेंगे C5:2.ACC और यहां पे लिखा गया C5:1.ACC ऐसे करके ले रहे, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है भाई, कि अगर ये भी लेस होता है तो इसको क्या करेगा, इसको बल्ब 2 को ये जलाएगा, बस ये दो काम यहां पे ये कर देगा ऐसा, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन होता रहेगा, क्योंकि सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहले हमने तीनों कन्वेयर को ऑन किए, कन्वेयर को ऑन किए तो जिस कन्वेयर पे जो ऑब्जेक्ट था वो डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगा, किसके लिए, पैकेजिंग के लिए, क्योंकि डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा उधर में उसका काम है पैकेजिंग करना, वो करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट कन्वेयर C1 से पास होगा वो यहां पे कॉन्टेक्ट होगा, जो C2 से पास होगा वो यहां पे कॉन्टेक्ट होगा, और इस दोनों का कंपैरिजन हमको करना है किससे, कन्वेयर C3 से, क्योंकि C3 क्या है, मेन कन्वेयर है, जो फाइनली कन्वेयर 1 और कन्वेयर 2 का ऑब्जेक्ट को लेकर के डेस्टिनेशन की तरफ में जा रहा है पैकेजिंग के लिए। तो क्या होगा भाई कि इस पे जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका फाइनल काउंटिंग हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा है, तो हमने क्या किया कि इस ज्यादा वाला का कंपेयर किया इस कम वाले से, और कंपेयर करके हमने ये बताया कि अगर मान लिया जाए जो मतलब अगर मान यहां पे जो क्वार्टर ए मतलब जो थर्ड वाला क्वार्टर है जिसका एड्रेस है C5:2 कि अगर इसका वैल्यू क्या है, कम है, लेस है इससे, तो क्या करो उस बल्ब को जलाओ, मतलब एज ए इंडिकेटर, कम है तो, ज्यादा है तो नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कन्वेयर चल रहा है तीनों और सिर्फ कन्वेयर एक से ऑब्जेक्ट आ रहा है, कन्वेयर एक से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, तब तो दोनों जगह पे इक्वल हो जाएगा, तो अगर इक्वल होता है तो ये दो कंडीशन में चलेगा, ग्रेटर में लेस में भी और इक्वल में, तब क्या कर दीजिए लेस देन इक्वल, इसको भी कर दीजिए लेस देन इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, या तो क्या हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है और नहीं तो लेस हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर हमेशा जब भी होगा तो वो C3 कन्वेयर ही ग्रेटर होगा, है ना, तो इसलिए हमने क्या किया लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, अगर लेस देन इक्वल है तो चलते रहे, लेकिन अगर किसी कारण में मान ले जाए ऑब्जेक्ट ज्यादा हो रहा है, ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, है ना, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को जान बुझ करके डायरेक्टली उठाया और जाकर के कन्वेयर C3 पे रख दिया, ना वो C1 से पास हुआ ना वो C3
उसे पास हुआ, तो उस केसेस में ज्यादा होगा, तो वो तो क्या हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड कंडीशन हो गया, उसके लिए उतना सोचना नहीं है। क्योंकि जब सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सिस्टमेटिकली मतलब सिस्टम चल कैसे रहा है उसका भी मतलब एक कंडीशन क्या है उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, आर्बिट्रली कुछ भी नहीं होता। फाइन, तो इसके लिए तो यहां पे आकर के ये जो स्टेटमेंट था उसका ये प्रोग्रामिंग है, हाँ, सबसे पहले। और इस प्रोग्रामिंग को समझने में अगर कोई दिक्कत होता है आप लोग को, तो जस्ट यू कुड राइट अस इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कुड राइट क्वेश्चंस थ्रू डिफरेंट मोड एंड व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड, जस्ट यू कुड आस्क टू मी एंड आई विल कंसीडर। थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।